और मैंने अभी गूगल पे ऐसे पढ़ाई कुछ चेक करता हूँ अपने क्लास का, तो मैंने देखा कि 10th और 12th वालों के लिए गुड न्यूज है कि Hey guys, good morning and welcome back to our new vlog. We hope आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तैयार हो रहा है वो, अभी टाइम हो गया है 7:15 नहीं सॉरी 8:15 हो गए, 7:15 स्कूल में जाते हैं हम, 8:30 बजे स्कूल जाते हैं और 7:15 हो गए, लेकिन मानू भाई अभी ऊपर से नीचे नहीं आया है। वैसे वो आ जाता है 20 मिनट पहले, पर अभी 5 मिनट और हो गए। एक्चुअली मैं बताऊँ क्या है, उसको भी नया नया शौक चढ़ा है एनिमे देखने का, और वो देखता है वन पंच मैन। तो अभी मैं ऊपर गई थी, मेरे को बुलाया था बड़े पापा ने, तो मैंने देखा कि दूध पी रहा है और वन पंच मैन देख रहा है। मैंने कहा सुबह सुबह टाइम है देखने का, इसलिए वो अभी नीचे भी नहीं आया है। अब मैं तो काफ़ी देर हो गई, मेरे को पूरे तैयार हुआ, ये देखो आई एम फुल रेडी। निखिल भाई यहाँ तैयार हो रहा है, कहाँ चली गई मेरी उंगली, हेलो गाइस चाय पी लो, ये अभी तैयार नहीं हुआ है अच्छे से। मैं तो पूरी तैयार हूँ, बस पापा का इंतजार है। पापा पापा आएंगे 8:30 बजे, 8:30 बजे पापा आएंगे, 8:30 बजे पापा आएंगे, उसके बाद चलेंगे हम नहीं, मैं निखिल भाई मनु भाई आपको स्कूल कैसे लेके जाएंगे हम। तो मान भाई का इंतजार करते हैं, अगर आ गया तो, अगर मुझे मौका मिला तो उसके साथ भी पक्का रिकॉर्ड करती हूँ, ठीक है। और उससे पूछ भाई तू आया क्यों नहीं, हमने व्लॉगिंग रोड पे स्टार्ट कर दिया। अरे मेरे को दिख रहा है, तो ये नीचे आ गया है, दिख पा रहे हो अभी साहब भाई, बताओ कि क्यों नहीं आया। अब देखते हैं ये सच बोलता है झूठ बोलता है। टाइम तो हुआ, कहां टाइम हो रहा है, तुम टाइम से पहले खड़े थे ना, तो 20 मिनट पहले आ जाता। मैं 8:15 पे आता हूं, मैं ये 8 बजे शायद 8 बजे 8:15 पे मैंने वीडियो बनाई थी, 8:15 पे अभी 8 मैंने टाइम भी दिखाया था, टाइम देख मैंने टाइम भी दिखाया था, अगर उल्टी ना हो 8:15 से ज्यादा हो रहे हैं, ये है 8 ये है 15 15 यहाँ पे आती है, आता है। एक मिनट, ये ऊपर एनीमे देख, ये ऊपर एनीमे देख रहा था, मैंने देखा है दूध पी रहा है और साथ में जो भी था, और साथ में एनीमे देख रहा है, कोई टाइम नहीं होता ये सुबह सुबह। हाँ तो तू है कौन, से टाइम से फॉलो करूँ, यहाँ पे चीकू भी गुड मॉर्निंग तो नहीं किसे झाँक रहे, लड़की देख रहा है सामने से, लड़की जा रही है चीकू को दिखा रहा है, और हम खड़े बाहर, और आपको मौसम दिखाऊं मैं ऊपर का, ये देखो ये बॉय ऊपर ना एकदम क्लाउडी बारिश जैसा हो रहा है और ठंड हो रही है। फाइनली अक्टूबर में आके थोड़ा सा हाँ लगा, अक्टूबर आ गया, बारिश हुई, ठंड नहीं होगी, बारिश से मतलब बारिश हो सकती है और उसकी वजह से ठंड हो रही है और पावड़ी हो रही है, और मेरा हाथ भी दुख रहा है अभी। बस अभी पापा आने वाले हैं तो हम निकलते हैं। मान लो तेरा टाइम पीछे चल रहा है, 15:30 तो चलिए बस अभी निकलते हैं हम स्कूल के लिए। तो अभी सिम्मी और मानू जा रहे, पापा ने छोड़ने जा रहे, फिर मेरी बारी, सिम्मी फंस गई, इसके बाद मैं जाऊंगा, मैं आता बाहर तक चले जाऊंगा, पापा यहीं आ जाएंगे लेने। तो भाई हम स्कूल पहुंच गए थे, मानू इज हियर, ये हमारा दोस्त है, व्हाट इज योर नेम ब्रो, मैंने ही बना रहा डावर मैंने डर गया छोटे छोटे बच्चे डर गए। मानो वो बैठा है, सिमी गई अपनी क्लास में, तो आपको बीच में मिलता है या फिर देखते लास्ट में मिलूंगा, या तो छुट्टी में मुझे लगाया बोलेगा। तो हम स्कूल से आ गए और मैं नहा के अभी का खाना भी खा लिया मैंने भी। ये भी तो खाना खा रहा, ये ना के आई है सिर्फ, खाना भी खा लिया मैंने, चाय पी नहीं रह रही है बस। अच्छा। और निखिल भाई भी नहा रहा है, और मानू भाई थोड़ी सी इतनी सी जल्दी में है, मेरे बाल कटने वाले, कटने ऐसे गए मैंने कितने सालों से बढ़ा रखे हैं, और फिर क्या क्या ना बाल कटने वाले, जैसे पता नहीं इतने लंबे बाल कटवा रहा हूँ अपने। खाना खा लिया मैंने, खाया आलू गोभी, मैंने भी आलू गोभी कल बनी हुई है, तो बस यही हो रहा है। और मानू भाई अभी जाते हैं बाल कटवाने, और मैं इतने सो जाती हूँ,
नहीं नहीं बेटा सोएगी, ये पक्का सोएगी, मैं दिखाऊंगा होमवर्क, जब सोएगी मैं पक्का दिखाऊंगा होमवर्क, होमवर्क कर लेती हूँ ठीक है। ओके बाय टाटा, आपको भी थोड़ी देर के लिए टाटा, क्योंकि मेरे को होमवर्क करना है ना, अभी तो चाय भी नहीं पिया मैंने। तो मामू भाई तो चला गया अपने बाल कटवाने के लिए, और यहाँ निखिल भाई नहा के आ गया है, ये खा रहा है कुछ तो खा रहा है, नमकीन खा रहा है पता नहीं चाय से। अब मेरी शुरू हो गई पढ़ाई, मेरी राइटिंग दिख गई, राइटिंग अच्छी है मेरी, पढ़ाई है फिर सूती मिलेगी आपको पता है। अभी देखो एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 156 ठीक है, 156 से मेरे को 3 बजे तक पढ़ना होता है, वो 1 घंटा हो गया, फिर उसके बाद 3 बजे के बाद मुझे नींद आना शुरू हो जाती है, होता है तो मैं 3 बजे के बाद भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन अगर नींद आती है तो उसमें मेरी कोई गलती तो है नहीं, उसके बाद फिर शाम को थोड़ा पढ़ लेती हूँ, पर अभी फिलहाल तो संस्कृत हो रही है, हावी हो रही है, संस्कृत में काफ़ी सारा होमवर्क है तो वो करते हैं, वर्क होमवर्क है तो वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। और ये है अपना फिर खाने का देखेगा। सो गाइस मैं अभी अपना हेयर कट करवा के आ चुका हूँ, और ऐसा है मेरा कुछ हेयर कट, आप बताना कि मुझ पर सूट कर रहा है कि नहीं नहीं। और एक चीज़ और ये है, जो मेरी दाढ़ी है पता नहीं अंकल ने क्यों काट देता है, 2 बार ऐसा हुआ, एक बार रक्षा से 1 दिन पहले, और एक ऐसा मैंने पापा ने मुझे उन्हें बोला था कि भाई यहाँ से नीचे नीचे काटना है, उन्होंने यहाँ से पूरी मार दी रही, और अजीब सा लग रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बोलने में, अजीब सा लगता है मुझे जब अपनी दाढ़ी कट जाती है, पर कुछ ऐसा है मेरा। कमेंट में बताना आपको कैसा लग रहा है मेरा हेयर कट। सो गाइस मैं भी पढ़ने बैठा था, और मैंने फूफा जी को अपने मैसेज डाल भी दिया कि मैम क्लास के लिए रेडी है, अब फूफा जब भी क्लास लेंगे हमारी पढ़ाई की। और मैंने अभी गूगल पे ऐसे पढ़ाई कुछ चेक करता मैं अपने क्लास का, तो मैंने देखा कि 10th और 12th वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम हो गए 10th और 12th वालों के, 11th वालों के लिए नहीं, 10th और 12th वालों के लिए, तो उसमें 50-50 करके हमारे उनके वो हो गए एग्ज़ाम, जैसे कि एक चैप्टर है 12th, उसमें पहले वो 6 चैप्टर लेंगे, फिर वो 6 चैप्टर लेंगे, ऐसे ऐसे करके वो हाफ हाफ में करेंगे, ये बहुत बच्चों के लिए आसानी पड़ गया, और उनके बच्चे भी आ गए एक तरह को बोला जाए तो, क्योंकि बहुत हार्ड हो रहे थे ऑनलाइन, तो अभी अभी कुछ 3-4 महीने पहले स्कूल खुले, इतना को टाइम भी नहीं है कि बच्चे अभी, और मैं सच बताऊँ तो मेरे स्कूल के फ्रेंड बहुत कम आ रहे हैं, मतलब कि देखा जाए तो 4-5 बच्चे आ रहे हैं मेरे फ्रेंड्स में, बाकी के लड़के लड़के अलग हैं जो आ रहे हैं, पर बहुत कम आ रहे हैं दोस्त हमारे, तो ये 10th और 12th के लिए गुड न्यूज़ है। तो गाइस होमवर्क तो मेरा हो गया है ख़त्म, मतलब अभी होमवर्क खत्म हुआ है अभी अभी, और टाइम मैंने जैसे आपको बताया था कि 1-2 बजे करने आई थिंक 2 बज रहे थे हाँ, और अभी बज गए हैं 3:36 हो रहे हैं, को सबूत कैसे दूँ मैं, तो अभी 3:36 हो रहे हैं, अब जाके होमवर्क ख़त्म हुआ है मेरा, मेरे को नींद तो आ रही है हल्की हल्की सी, बट देखते हैं क्या करें। और यहाँ पे सो रहा है ये, ऐसे कर रहा है, सो नहीं रहा है ये, मैं तो परेशान कर रहा है, तो चलिए देखते हैं, मेरा मन तो है नहीं वैसे सोने का, बात की बात भी देखी जाएगी। ओके गाइस तंग कर रहा है ये मुझे। तो गाइस मैं आ गई थी पर अपना होमवर्क निपटा, कि होमवर्क तो कपड़ा ही निपट गया था, और उसके बाद जैसे मैंने ऊपर आई मैंने देखा मानू ढड्डू दिख गया, मानू भाई देख रहा था एज एक्सपेक्टेड एनिमे, अरे मतलब जब मैं देख रहा हूं मैं जब मैं आया तब भी देख रहा था और अब भी देख रहा है, और इसने इसने मुझे बताया 2 एनिमे ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, और ये चल रहा है इसका कुछ थर्ड शायद, डेथ नोट नाम है, अभी नाम आया एकदम स्क्रीन पे, और ये रहे मिस्टर मतलब ये मुझे पता नहीं इसे देख के डर सा क्यों लग रहा है, भवंडर है रक्षाबंधन के आस पास भी इसका यही कराया था, पर भाई इबा पूरा ही क्लीन,
मतलब मैं सोच रहा हूँ मैं इसे पहले कैसे देखता था, क्योंकि पहले तो तू सो नहीं, क्योंकि पहले तो थे ही नहीं इसकी तारीफ। मैंने एक घंटे का आराम लिया अब। और हाँ, अभी मैं ऊपर आया तो मानू भाई ने मुझे बताया था कि कुछ ट्वेल्थ के शायद इस बार दो उसमें हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, पहले दो बार होंगे, आपको बताया था, मतलब हाफ ईयरली दो बार होंगे या? अरे भाई बोर्ड, अच्छा बोर्ड वो दो दो बार, मतलब सब्जेक्ट इतने ज्यादा कि दो बार करेंगे या बीच में छुट्टियां ज्यादा चैप्टर इतने ज्यादा है सब्जेक्ट में। अरे मुझे क्या पता, मैंने कभी दिए क्या बोर्ड के एग्जाम? आप इसमें थोड़ी सी बुद्धि आ जाए छोटी बच्ची, ये थोड़ी ना कि पहले चैप्टर ज्यादा थे अब कम कर देंगे, मैंने मुझे नहीं पता बोर्ड के कैसे होते हैं, मुझे बस इतना पता है बोर्ड का पेपर बाहर से बन के आता है। अजय मैं और जी मुझे और जी मुझे अभी तो बस यही हो रहा है, आगे देखते हैं। परेशान तो ये मुझे करते ही रहते हैं, इनका काम ही वही और कुछ काम तो नहीं है। तुझे कौन परेशान कर रहा है, तुझे क्या बोल रहा है? तुम बैठे हो, तुम तुम्हें परेशान करते रहते हैं, ये हमें परेशान करते रहते हैं, बस यही इसका रहता है रोज का। हमने कब तुझे परेशान कर दिया, तू अपने आप को परेशान करवाती रहे। ये मुझे तंग करते हैं बहुत ज्यादा, ये बैठे होते तो मुझे इरिटेशन होती है। अब देख उंगली चटका दी, ये जो है ना, मैं आपको बताऊँ, एक मिनट ये ना बहुत ही ज्यादा क्या बोलते मान भाई, चालू पता है क्या करता है ये जब लॉक बन रहा होगा तो ये बन जाएगा बिल्कुल सीधा, कि जैसे इसने तो कुछ इसको आता ही नहीं है, एकदम सीधा आएगा और मेरे को ये बना देता है बुरा कि जो करता हूँ इसके साथ मैं करता हूँ, ये तो बहुत ज्यादा सीधा, ये नहीं, ये बहुत ही ज्यादा गलत है, अत्याचार हो रहा है फिर। या एग्जैक्टली ये बहुत ही ज्यादा गलत करता है मेरे साथ। तो चलो अभी मैं इनसे पहले अपना मैटर सुलझाऊं। बिल्कुल तुम तंग कर दो, अभी उंगली चटका दी मेरी ये वाली। कौन सी वाली? ये कौन सी है? अच्छा ठीक। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया, पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। हमारे ब्लॉग को लाइक भी कर देना। तो वही तो बोला अभी मैंने, सब्सक्राइब बोला तो लाइक मैंने बोल देता, लाइक मैंने तो बोल देता। सो मिलता आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।